फाइनली दोस्तों वो दिन आज आ चुका है जिसका हम सभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों इंडियन सिनेमा के ओरिजिनल एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार और यंग एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दोस्तों ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बस था और यही वजह है कि यह फिल्म दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। और दोस्तों इन दोनों ही सुपरस्टार्स के करियर के वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के फर्स्ट डे इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि इस फिल्म को कितने स्क्रीन्स और कितने शो पर रिलीज किया गया है, इस फिल्म के कितने शो हाउसफुल है और ये फिल्म आज अपने पहले दिन क्या कमाल कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय और टाइगर के डाहट फैंस हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म में कौन सा एक्शन बेहतरीन लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसमें आपको पृथ्वीराज सुकुमारन सर विलन के रोल में नजर आने वाले हैं, मानुषी चिल्लर, अलाया फर्नीचर वाला और सोनाक्षी सिन्हा भी आपको इस फिल्म में नजर आने वाली है। लगभग 280 से 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई बड़े मियां छोटे मियां एक बेहतरीन विजुअल्स फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज किया गया है। लगभग 3,500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली बड़े मियां छोटे मियां को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 11,000 से भी ज्यादा शो दिए गए हैं। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 5,200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को टोटल अपने पहले दिन के लिए हिस्टोरिकल ओपनिंग ओवरसीज से भी मिल चुकी है। अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद ऑडियंस की तरफ से भी शानदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बार फिर से ओरिजिनल एक्शन अवतार में ऑडियंस के दिलों में जगह बना रहे हैं और दोस्तों उनकी कॉमेडी के साथ साथ फिल्म में उनका एक्शन भी दमदार है। तो वही दोस्तों इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने भी अपना काम बखूबी निभाया है और दोस्तों छोटे मियां के कैरेक्टर को उन्होंने भी जिस तरह से प्ले किया है वो भी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। दोनों का ही दोस्तों ब्रोमांस और एक्शन फिल्म में काफी तगड़ा है और दोस्तों ये फिल्म जिस बड़े स्केल के साथ बनाई गई है वो दोस्तों आप सभी को 3D और IMAX जैसे फॉर्मेट पर ही देखकर मजा आने वाला है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों बता दें आपको कि क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों के ही तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म आज मॉर्निंग से ही 35% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी है। आज ईद का दिन है और दोस्तों आज ऑन स्पॉट बुकिंग इस फिल्म की काफी अच्छी नजर आ रही है। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग के मामले में ही इस साल की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था और लगभग 7,58,00,000 रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही कमा ली थी। आज दोस्तों ऑन स्पॉट बुकिंग में इस फिल्म को लेकर अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये फिल्म जहां मुंबई में 200 से ज्यादा शो के साथ बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल चल रही है, तो वहीं दोस्तों दिल्ली में भी इस फिल्म के 188 से ज्यादा शो हाउसफुल बोर्ड के साथ ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोस्तों मिलाकर लगभग 350 से ज्यादा शो इस फिल्म के आज हाउसफुल है। तो वहीं दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु में भी इस फिल्म को लेकर तगड़ा बस देखने को मिल रहा है और दोस्तों इन दोनों ही स्टेट्स में इस फिल्म को लेकर अच्छी खासी एक्साइटमेंट है। यही वजह है दोस्तों कि अक्षय कुमार सर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उनकी लास्ट 10 फिल्मों से बड़ी ओपनिंग ले रही है और आज अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां ये फिल्म 30,31,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो भी इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट है। जी हां दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज में भी 60 से ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज साबित हुई है और दोस्तों इस फिल्म को आज ओवरसीज में 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जहां 52 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग लेकर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट ऑपनिंग
पार्टनर साबित हो रही है। और दोस्तों ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर को पीछे करते हुए दोस्तों 2024 के सारे रिकॉर्ड अब यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म के नाम हो चुके हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म है, जिसमें आपको बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन विजुअल्स और एक आउटस्टैंडिंग स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। अक्षय कुमार एक बार फिर से ओरिजिनल एक्शन सुपरस्टार के रोल में हमें इस फिल्म में नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों उनका साथ देते हुए टाइगर श्रॉफ भी सभी के दिलों में बस जाएंगे। ये फिल्म दोस्तों आज दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग ले रही है, इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अक्षय कुमार के फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी ओपनर भी बन चुकी है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।